Ladies and gentlemen, ये खूबसूरत लड़की है पारो। वो त्योहार साल में एक बार आते हैं, जिंदगी में एक बार आता है। तो दोस्तों आने वाली है रेड्डी 2। जी हाँ, दरअसल सलमान खान ने अनीस बज़मी द्वारा डायरेक्ट की गई पॉपुलर कॉमेडी फिल्म रेड्डी में साल 2011 में काम किया था। सलमान खान के आइकॉनिक कैरेक्टर प्रेम, जबरदस्त कास्ट और परफेक्ट ह्यूमर के साथ फिल्म रेड्डी कॉमेडी इमोशन, एक्शन और यादगार डायलॉग से सजा हुआ फुल ऑन एंटरटेनमेंट। बता दें कि हाल ही में रेड्डी 2 की रिलीज को 13 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फैंस ने रेड्डी 2 की मांग की है। ऐसे में फिल्म की एनिवर्सरी के मौके पर यह परफेक्ट टाइम है फिल्म द्वारा किए गए एंटरटेनिंग मूवमेंट को फिर से याद करने का। रेड्डी फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट, सलमान खान का ऑडियंस परफेक्ट कैरेक्टर फ्रेम है। उनका चार्म स्टाइल, परफेक्ट कॉमिक टाइमिंग ने फिल्म को बहुत एंटरटेनिंग बनाया है। सलमान खान का सिचुएशन को मजेदार तरीके से हैंडल करना, उनके फाइट सीन, उनका डायलॉग, तीन चीज कभी अंडर एस्टिमेट मत करना, आई मी और माई सेल्फ, और उनका सीन के साथ कमाल की केमिस्ट्री, सब कुछ मिलाकर इस फिल्म को फुल ऑन मसाला एंटरटेनर बनाते हैं। और इसी वजह से यह फिल्म बार बार देखने पर भी हमेशा एंटरटेन करता है। फिल्मों के अलावा इसका चार्ट बस्टर म्यूजिक एल्बम भी था, जिसमें कैरेक्टर हमको प्यार हुआ, ढिंका चिका और भी कई गाने थे जिन्होंने देश भर में अपने बीट्स पर नाचने को मजबूर कर दिया। रेड्डी 2 ने नॉन हॉलीडे फिल्म के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। भारत में उसने 120 करोड़ की कमाई की और इसका ग्लोबल कलेक्शन 180 करोड़ था। ये 2011 में बड़ी हिट थी। खास बात यह है कि यह वर्ष 2011 में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली कुछ फिल्मों में से एक थी। कहना गलत नहीं होगा कि रेड्डी 2 सच में एक एंटरटेनिंग फिल्म थी, जिसे अब भी दर्शकों द्वारा उसके परफेक्ट एंटरटेनमेंट की वजह से दिल से पसंद किया जाता है। इसके अलावा सलमान खान 2025 पर अपनी अगली फिल्म साजिद नाडियाडवाला के सिकंदर के साथ धमाल मचाने के लिए तैयार है, जिसका निर्देशन यार मुरुगदास करेंगे। इस फिल्म में सलमान खान के साथ पहली बार एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना नजर आएगी। वैसे दोस्तों आपका रेड्डी 2 के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।